बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही स्टाइलिश गले का डिज़ाइन और आप लोगों को सिखाऊंगी बहुत ही डिटेल के साथ। थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि इस गले में क्या क्या यूज़ होगा। हम करेंगे बूट पाइपिंग हम करेंगे इस बॉर्डर से। जो हमारी शर्ट के साइड में से बॉर्डर उतरा था, मैं उसमें से बूट पाइपिंग करना आप लोगों को बता रही हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो हमारे ड्रेसेस जो ब्रांड के होते हैं या जो कैटलॉग के होते हैं उनमें वो अक्सर बॉर्डर्स देते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम इनको कहाँ इस्तेमाल करें। तो इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी। पहला इस्तेमाल मैं इसका बूट पाइपिंग में करूंगी और ये मल्टी है और ये है वो लैस जिसका इस्तेमाल हम गले में करेंगे। और मैं आपको बता भी दूँ कि हमने इसके बॉर्डर को किस तरह पेस्ट किया है। जो इसका साइड से बॉर्डर उतरा था मैंने उसे दामन पर पेस्ट कर दिया है लैस के साथ। देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। वैसे तो ये एक बहुत ही बड़ा सा बॉर्डर था, मगर इसको कंट्रास्ट देने के लिए थोड़ा सा ये बॉर्डर आ गया और थोड़ा सा ये बॉर्डर हो गया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने ड्रेसेस को इस तरह खूबसूरत बना सकते हैं जिस तरह मैंने किया है। और यह है गला, इसके ऊपर थोड़ी सी कढ़ाई हुई हुई है मगर इसके बीच में हम करेंगे पाइपिंग, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह इसे रेडी करेंगे। तो यह है कढ़ाई वाला गला। मैं आपको बता दूं इसके गले के ऊपर ये जो स्लिट बनी हुई है ये हमारे साइज़ के हिसाब से बहुत छोटी है। ये शेरवानी कॉलर के हिसाब से तो ठीक है, अगर आप लोग ऊपर शेरवानी कॉलर बनाते हैं तो कम से कम ये 15 इंच की बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप गोल गले पे पाइपिंग करते हो या गोल गले पे कोई डिज़ाइनिंग करते हो, पाइपिंग के लिए स्लिट नीचे उतारते हो तो ये छोटी है। हमें चाहिए होगी 18 इंच की पाइपिंग, तो हम इसकी पाइपिंग करेंगे यहाँ तक। इसके बीच में ये जो खाली निशान आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हमें करना कुछ इस तरह होगा। इस शर्ट को हम पलटेंगे। शर्ट को पलटने के बाद हमें चाहिए होगा एक बुकरम का पीस जो मैंने कट कर लिया है। मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ। इसकी लंबाई है 19 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच, ठीक है। अब इस बुकरम को इसके बीच में हम पेस्ट करेंगे और करेंगे कहाँ, इस जगह पर करेंगे जो इसकी खाली जगह है जिसमें हमने बूट पाइपिंग करनी है। और आपने जो प्रेस करनी है बुकरम के ऊपर, ज़्यादा गर्म आपकी प्रेस नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। अगर आपकी प्रेस ज़्यादा गर्म होती है तो वो बुकरम को सुकेड़ देती है जिससे आपकी जो फिनिशिंग है बुकरम की वो आउट हो जाती है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब हम बुकरम चिपकाएंगे तो इसको रगड़ेंगे नहीं, इस तरह नहीं करेंगे, बस इसको दबा दबा के आपने प्रेस करना है। क्योंकि बुकरम के नीचे ना गम्स लगी हुई होती है जो थोड़ा सा शाइन करती है, इसको बस चिपकाना होता है। तो ये इस तरह जब हम प्रेस से दबाते हैं तो ये चिपक जाती है, इस तरह इस्त्री को रगड़ने से वो खराब हो जाती है। तो बुकरम मैंने नीचे चिपका लिया है कमीज की। अब इसको बीच से हम कट करेंगे। हम कट इसको इस तरह करेंगे, बिल्कुल सेंटर में कट लगाएंगे। ये बहुत आसान तरीका है बूट पाइपिंग करने का जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको हम नीचे तक ले जाएंगे मगर यहाँ लाके हम इसको रोक देंगे। अब हमने इसे इस तरह तिरछा कट करना है, इस तरह। ये देखें कुछ इस तरह मैंने इसे कट किया है। अब इसे फिर पलटेंगे और इसके बीच में ये जो ट्रायंगल वाला पीस है इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह एक बॉक्स बन जाएगा। चाहें तो आप इसको प्रेस की मदद से इस तरह दबा दें ये जो कट करा है। और अगर आप लोग कॉटन के कपड़े पे कर रहे हैं तो ये दब जाएगा। अगर आप लोग कोई सिल्क के कपड़े पे बना रहे हैं या कोई रेशमी कपड़े पे बना रहे हैं तो ये नहीं दबेगा। इसको आपने इस तरह एक बुकरम का पीस लगा के प्रेस की मदद से दबा देना है तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब इसके ऊपर करेंगे हम बूट पाइपिंग। तो बूट पाइपिंग करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। इसके ऊपर है कढ़ाई और हमें ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको छुपाना है, मगर नीचे से जब हम इसे देखेंगे तो हमें शो नहीं हो रहा कि हमारी कढ़ाई कहाँ पर है। हमारी पाइपिंग मोटी या पतली भी हो सकती है। तो इसको परफेक्ट बनाने के लिए आपने इस निडल में से धागा निकालना है और खाली मशीन चलानी है इसके ऊपर। तो ये देखें ये बहुत आसान तरीका है। अब आपको पता चल गया कि हमने कहाँ पर सिलाई करनी है। इतनी ही चौड़ी आपकी बूट पाइपिंग आएगी।
अब एक इंच एक्स्ट्रा छोड़ के हम इस पट्टी को कट कर देंगे, फिर एक इंच छोड़कर इस पट्टी को दोबारा हम लगाएंगे। अब इसे इस तरह हम फोल्ड करेंगे। अब इसे प्रेस करेंगे और आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल तरीके से हमारी बूट पाइपिंग लगकर रेडी हो गई है। अगर आप लोग शेरवानी पहनना पसंद करते हैं तो ऊपर से इसका हाला कट करके शेरवानी लगा दें, अगर बेगला पहनना पसंद करते हैं तो बेगला बना दें, या नॉर्मल गला जो आप पहनना पसंद करते हैं अब आप इसके ऊपर बना सकते हैं। मेन होती है बूट पाइपिंग करना, जो मैं आपको करना सिखा चुकी हूँ। अब इसको हम पलटेंगे, पलटने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम नीट करके तुरपाई कर देंगे। तो तुरपाई कर दी है, अब हमें करेंगे इसे फिलहाल साइड और अपना गला रेडी करेंगे। गला कट करने के लिए हमें चाहिए होगा एक बुकरम का पीस, जो कि मैंने फोल्ड करा हुआ है। इसकी लंबाई है 7 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4.25 इंच। अब एक निशान हम लगाएंगे 7 इंच पर, क्योंकि ये रेगुलर गले हैं तो इसीलिए ये 7 इंच पर ठीक है, ये बोर्ड नेक नहीं है तो इसको हम फैलाएंगे नहीं। 7 इंच पर मैंने निशान लगा के निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब एक निशान हम यहाँ से लगाएंगे 6 इंच का, और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे और इसको हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। इसे मैंने बीच से अलग कर दिया है। तो गला मैंने नीट कर लिया है और इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम लगाएंगे ये लेस, ट्रायंगल वाली लेस है। ये लेस हम पूरी नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसके दो दो ट्रायंगल लगाएंगे इसको स्टाइलिश करने के लिए। अगर आप चाहें तो पूरी लेस भी लगा सकते हैं सेम इसी तरीके से, मगर मैं सिर्फ दो दो ट्रायंगल लगाऊंगी। तो मैं इन्हें इस तरह कट करूंगी बीच से, और ये बहुत अच्छी वाली लेस है, मिल्की लेस है, तो इसीलिए इसके ये जो कोने से धागे हैं ये नहीं निकलेंगे, और इसका एक्स्ट्रा पार्ट भी कट कर देंगे। अब जहाँ मैंने क्रिस बनाई थी प्रेस की मदद से, यहाँ से हम अपना ट्रायंगल लगाएंगे लेस का, आसानी के लिए चॉकिंग भी कर देंगे। अब यह है सीधा साइड, हमें लगाना है सीधा साइड। और हम आधा आधा इंच के गैप से लगाएंगे, इस तरह हम इंची टेप से नापेंगे, आधे इंच पे निशान लगाएंगे, फिर दूसरा ट्रायंगल कट करेंगे
और सेम इसी तरह मैं दूसरे वाले गले पर भी ट्रायंगल लगा लूँगी, फिर इसको अपनी शर्ट के साथ अटैच करूँगी। अब मैं इसे प्रेस करूंगी। इसे तुरपाई करेंगे हम। तो मैंने इसे तुरपाई कर लिया है। इसकी फुल लुक कुछ इस तरह की है। मैंने इसे बीच से अटैच कर दिया है बटन टेक पट्टी के साथ। आप सब जानते हैं सेम वही मेथड है, उसी तरीके से मैंने इसको बीच से अटैच किया है, कुछ नया नहीं था। और गुम सिलाई के साथ मैंने ये लेस लगाई है। दो दो करके लगाइए, आप इसकी ब्यूटीफुल लुक देख सकते हैं। और माशाल्लाह से बनने के बाद ये बहुत हसीन लग रहा है। आप सबने ज़रूर ट्राई करना है। इस वीडियो में मैंने आपको बूट पाइपिंग करना भी सिखाई है और लैस भी गुम सिलाई के साथ लगाना सिखाई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबने मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो करना है। मेरा सेकेंड चैनल है जिसके ऊपर मैं ड्रेसिस के आइडियाज़ देती हूँ, डिज़ाइनिंग करके आपके लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसमें पार्टी वेयर, शादी ब्याह और जो मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग है तमाम मिल जाएंगी आपको उस चैनल पर। आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दे रही होगी, उस पर जाकर आप लोग जा सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे सेकंड चैनल के ऊपर। इस चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप इसके बीच में कुछ बटन टसल्स जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, वरना तो ये वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।